नमस्कार दोस्तों, गोयल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में आपको ये डायसन की मोटर अनबॉक्सिंग करके बताया। आज दूसरे वीडियो में हम आपको उसके फंक्शंस कौन कौन से आते हैं वो सब बताएंगे। मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे होती है, मोटर की स्पीड कैसे बढ़ती है, मोटर की स्पीड आपको एक स्पीड लॉक करनी है तो कैसे करनी है, सब फंक्शंस अभी हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले। तो हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो चार बटन दिए हुए हैं उसका फंक्शंस क्या है। अगर आपको मोटर की स्पीड प्लस माइनस करनी हो तो यहाँ से होती है, जो आप देख सकते हो। ये करेंगे तो प्लस बटन से है, ये करेंगे तो माइनस बटन से है। दूसरा, ये जो पी फंक्शन से आपके प्रोग्राम मेन्यू में जाने का है। पी और प्लस दबाने से आप प्रोग्राम में जा पाते हैं और आपका मेन्यू फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम के जाने के बाद में आपको पी बटन दबा के बाद में सिलेक्ट करना है। ये जो है 01 02, जो भी कोई भी प्रोग्राम में जाके आपको एस से प्रोग्राम सेव होगा और पी से उसके प्लस माइनस से उसके पैरामीटर चेंज होते हैं। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, जो भी है, और आपको प्रोग्राम सेव करना है तो आपको ये एस बटन दबा के बाहर निकल जाना है। पी से प्रोग्राम में एंट्री होती है और ऐसे प्रोग्राम में से आप बाहर निकलते हैं और प्लस माइनस बटन से पैरामीटर चेंज होते हैं। अब हम आपको बताएंगे मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। यही मशीन सिलाई मशीन पे भी लग सकती है और ओवरलुक मशीन पे भी लग सकती है। तो अब हम आपको बताएंगे उसके लिए, रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए। अभी अपनी मोटर कैसे चल रही है वो हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करके बताएंगे। उसके लिए आपको पी और प्लस बटन दबाना है तो आपको पी 00 आ जाएगा। अभी आपको करना है 2, पी 02 करोगे, बाद में आपको पी बटन दबाना है। यहां पे 1 है उसको आपको 0 करना है। ये पैरामीटर चेंज, प्लस माइनस से आपका पैरामीटर चेंज होता है। और उसके बाद में आपको एस बटन दबा लेना है। अभी हम आपको मोटर चालू करके बताते हैं। देखिए, उसकी पुली का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो पहले रॉन्ग डायरेक्शन में घूमती थी, अभी ये मोटर सीधी हो गई है। अभी हम आपको उसको वापस चेंज करके बताते हैं। एक बार वापस प्रोग्राम में आपको पी और प्लस दबाना है, उसके बाद में आपको 02 करना है और बाद में वापस आपको पी दबाना है। उसमें 0 की जगह 1 कर दीजिए और एस दबा दीजिए, उससे प्रोग्राम सेव होके आप बाहर निकल जाएंगे। वापिस एक बार आपको बताते हैं। ये आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज जो है वो आपके ओवरलुक मशीन में चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है स्पीड है वो आपके सिलाई मशीन के लिए चलती है, वो आपको खास ध्यान रखना है। अभी आपको हम बताएंगे कि ये मोटर की स्पीड आप ऐसे तो बढ़ा ही सकते हैं। देखिए, कितनी भी बढ़ानी हो आप यहां से उसको बढ़ा सकते हैं और इससे कम हो सकती है। परंतु कोई नया कारीगर है और उसके लिए आपको उसकी स्पीड लॉक करनी है तो उसका हम आपको फंक्शंस बताते हैं कि अगर आपको किसी भी मोटर की स्पीड लॉक करनी है तो आपको क्या करना है। अब हम आपको वो बताएंगे। उसके लिए आपको पी और माइनस बटन दबाना है, जो आप देख रहे हैं ये 4 0 आ जाएंगे उसके अंदर। इसके बाद में आपको ये बटन पे 2013 लिखना है, 2013 2। अभी आपको दूसरे वेरिएबल पे जाने के लिए पी बटन वापस दबाना है, तीसरे पे जाने के लिए पी बटन वापस दबाना है। यहाँ पे आपको करना है 1, वापस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे करना है 2013। ये इसका पास कोड है, इसकी वजह से इसके ये सेटिंग करने से बाद में एस दबाना है, उससे आपका P01 का एक फंक्शन खुल जाएगा जो आप देख रहे हो। P01 को सिलेक्ट करने के बाद में ऐसे P दबाना है। P दबाओगे तो ये मोटर पे 7000 लिखा हुआ है,
ये मोटर की कैपेसिटी ऐसे 60,000 RPM की है, परंतु अपनी कोई भी मशीन 3,3500 RPM से ज़्यादा चलाने की कैपेसिटी नहीं है। तो अब हम आपको ये बताते हैं, हम इसको अभी 3,000 पे लॉक कर देते हैं। कोई भी नया कारीगर हो और उसको आपको कम स्पीड पे देना है, तो आप इसको 3,000 पे लॉक कर दीजिए। और लॉक करने के बाद में आदमी कितना भी स्पीड बढ़ाएगा, वो स्पीड बढ़ेगी नहीं, 3,000 से ज़्यादा उसको बताएगा नहीं। बाद में एस बटन दबा लेना है। अभी आपकी मोटर की स्पीड है वो 3,000 RPM ही है, जो आप देख सकते हैं। अभी आदमी इसको कितना भी बढ़ाएगा, ये मैं प्लस बटन दबा रहा हूँ, उससे ऊपर जाएगा नहीं। उससे कम होगी, परंतु उससे ऊपर ये मोटर की स्पीड जाएगी नहीं। ये हमने स्पीड लॉक कर दी है। उसका फंक्शन हम वापस एक बार आपको बताते हैं। पी और माइनस दबाना है, उसके बाद में आपको 2013 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये हर मोटर के लिए अलग अलग होता है। ये डाइसन की मोटर के लिए ये कोड है 2013, और सिलेक्ट करने के बाद में आपका P01 का फंक्शंस खुल जाएगा। P01 तभी खुलेगा जब आप ये पास कोड डालोगे। बाद में आपको सिलेक्ट करके इसको जितना भी बढ़ाना हो, अभी हम आपको 3500 करके बताते हैं और सेव कर लेते हैं। अभी आपको ये मोटर जो है 3500 तक की स्पीड करेगा, उससे ऊपर करेगा नहीं। तो ये मोटर की स्पीड लॉक हो गई है, जो आप देख रहे हैं। अभी हम आपको दूसरा एक दो फंक्शंस बताते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और कितनी स्पीड से आपकी मोटर घूम रही है, वो बटन देखना हो तो आपको पी और एस दबाना है। तो आपका C01 आ जाएगा। C01 दबाने के बाद में आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मोटर की स्पीड दिखाई देगी। आपने जितनी भी स्पीड को होगी, अगर ये मोटर इतनी स्पीड पे चल रही है कि नहीं वो चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको वापिस बताते हैं, पी और एस दबाना है, C01। वो सिलेक्ट करते ही आपकी मोटर आप प्रेस करोगे तो आपको रियल स्पीड उसकी दिखाई देगी कि कितनी मोटर की स्पीड बढ़ रही है, जो आप देख रहे हो। उसके बाद में और एक फंक्शन आपको बताते हैं। पी और एस दबा के रखिए। 02 02 से आपको इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी मोटर अभी 216 वॉट पे चल रही है। ये देखिए 222, 218, ये आपके मोटर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। 230 से आपका वोल्टेज ऊपर जाना चाहिए, नहीं, 230 से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। वो एरर कोड के लिए हम एक नया स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको मोटर की स्पीड देखनी है या कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके लिए आपको पी और एस दबाना है, C01 और C02, उससे आप ये फंक्शन देख पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे, अगर आपकी कोई भी सेटिंग्स गलत हो गई है या आपसे कोई गलत सेटिंग हो गया है, तो आप ये पूरे सेटिंग को रिसेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। पी और प्लस दबाना है। पी और प्लस दबाने के बाद में एस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ये आपका जो है पूरा फैक्ट्री सेटिंग रिसेट हो जाएगा। ये पूरा फैक्ट्री सेटिंग रिसेट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे, ये आपके अंदर के जो भी पैरामीटर हमने चेंज किए थे वो सब रिसेट हो चुके हैं। आपको कोई भी ये चीज वो करनी है, रिसेट करनी है, तो पी और प्लस दबाना है, और उसके बाद में आपको ये एस बटन को 3 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। उससे आपकी फैक्ट्री सेटिंग रिसेट हो जाती है और आप फैक्ट्री सेटिंग के मोड में ही आ जाता है। दूसरा उसका एक ऑप्शन भी है, वो उसको रिसेट करने के लिए आपको ये पावर ऑफ कर देते हैं। अभी ऑन करने के टाइम पे आपको खाली पी दबा के रखना है। ये मोटर हमारी ऑन ऑफ हो चुकी है। अभी उसको हम पी दबा के रखेंगे और मोटर को चालू करेंगे।
तो अभी आपकी जो फैक्ट्री सेटिंग है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके जो चेंज पैरामीटर होते हैं सब रिसेट हो जाते हैं। ये जो हमारा हमने आज आपको बताया कि ये बटन के क्या फंक्शंस है, मोटर रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं, बाद में आपका स्पीड लॉक कैसे करते हैं, वोल्टेज डिस्प्ले, बाद में स्पीड डिस्प्ले और रिसेट फंक्शंस, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। आगे के वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इस ये मोटर में जो जो एरर कोड आते हैं, E01, 02, 05, 07, जो जो एरर कोड आते हैं वो हम आपके बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा, जिससे हमारा दूसरा वीडियो जो आएगा ये डाइसन मोटर के एरर कोड के लिए, तो आप उसको सही तरीके से देख पाएंगे और ये मोटर के लिए और आगे जानकारी समझ पाएंगे। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।